इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां इस फैसले का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस फैसले को सही बताने में लगी हुई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी बनाम कांग्रेस की परिस्थिति दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के सांसदी जाने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तो 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला किया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है, यह समझना चाहिए। वही अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं कि उनकी मांग क्यों गलत है। सबसे पहले जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, पहली बार किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। सिंधिया ने राहुल गांधी पर कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपों के जवाब में बोलते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ज्योतिरादित्य जी हमें खुद समझा दीजिए कि हमारी मांग क्यों गलत है। राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी निजी कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सिंधिया ने कहा कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास नागरिक हैं, जबकि आप और हम थर्ड क्लास नागरिक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा राहुल गांधी फौज लेकर सूरत कोर्ट गए, इसे कोर्ट पर दबाव बनाना कहा जाएगा। दबाव के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसे 3 साल सजा होती है उसे बावजूद उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती, और एक व्यक्ति जिसने सच कहा उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है, यह समझना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो भाजपा का क्या होगा। खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया ये नहीं समझेंगे, वो अभी नए नए बीजेपी में गए हैं। मोदी जी को एक सलाह है, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया वो अगर कांग्रेस के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि आप लोकतंत्र को मारेंगे और सोचेंगे कि चीख भी बाहर ना निकले, ऐसे में तो राहुल गांधी बोलेंगे। उन्होंने कहा आप कायर हैं, डरपोक हैं, हम आपसे नहीं डरते और न राहुल गांधी आपसे डरते हैं। जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलाना पसंद करते हैं वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीखना थे। हमारा संघर्ष लोकतंत्र को बचाने का है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आंख की शर्म और जमीर गिरवी रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको। राहुल गांधी को स्वार्थी कहना आपके खुद के वजूद की लड़ाई है। महल और बंगले के लालच में ट्रोल बन गए आप। राहुल जी की सदस्यता रद्द करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अदालत में अपील करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ सूरत आई थी। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। वहीं उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख दे दी। राहुल के सूरत जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये लोग अपील के नाम पर हुड़दंग करने जा रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि ये राहुल गांधी के साथ उनकी एक जुटता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।